खबर उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली से है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन घोषित है, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच चंदौली में पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए हौसला बुलंद चोरों ने शराब की दुकान का गेट तोड़कर लाखों रुपए मूल्य की शराब चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के रेमा मोड़ स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह शातिर चोर पिछले दरवाजे को क्षतिग्रस्त करते हुए अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद शराब की बोतलों को बेखौफ अंदाज में समेट रहे हैं। दोनों शातिर चोर करीब आधे घंटे तक दुकान में रहे और शराब की दुकान से बोतलों को समेटकर लाखों रुपए मूल्य की शराब लेकर फरार हो गए। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दुकान मालिक की तहरीर पर अलीनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी के पकड़े जाने का दावा कर रही है। लेकिन इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग और कार्य प्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही दुकान स्वामी अवधेश जायसवाल ने चोरी की लिखित तहरीर अलीगढ़ थाने को दी है। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। संवाददाता पवन कुमार की खास रिपोर्ट।